कितने सुंदर लगते हैं, इनके नाम भी बता दूँ, कई वैरायटी होते हैं, हैट टैंगल, टर्टल वाइन, वर्निंग जू, इतने सारे प्लांट होते हैं जो कटिंग से बहुत अच्छे से लगते हैं। देखिए फ्रेंड, ये कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है। इधर ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट, एकदम ग्रीन ग्रीन, जहाँ भी आप इसकी थोड़ी सी भी कटिंग डाल दोगे वहाँ एकदम से गुच्छे में तैयार हो जाता है। तो आज मेरी वीडियो है कटिंग के बारे में, आप लोग देखिएगा ज़रूर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बोलने में जब गलती हो जाए तो मैं आपके लिए फिर चुका धन्यवाद करी हूँ फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे कि मई के महीने में हम कौन कौन से प्लांटों की कटिंग लगा सकते हैं। तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक यही है कि हम कटिंग कौन कौन से प्लांट की आसानी से लग जाती हैं। तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये फर्टुलका, ये सारी बोतल में मेरी फर्टुलका ही लगी हुई है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है और फ्लावरिंग इनमें से शुरू हो गई है। तो हम चलते हैं और कटिंग दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को बताऊँगी, ये फर्टुलका है, इसकी भी कटिंग आसानी से लग जाती है। आप छोटी सी छोटी कटिंग लगाओगे और ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं कटिंग से। देखिए इनमें से बड्स लग गई हैं खिलने के लिए। दूसरा प्लांट ये रियो प्लांट है, इसको आप छोटी सी कटिंग इसकी भी आसानी से लग जाती है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ढेर सारा तैयार हो जाता है। देखिए मेरे ये दो गमले हैं, ये कई वैरायटी होती हैं, एक ये है और एक ये है, ये देख सकते हैं। इन सबको मैंने लगाया हुआ है फ्रेंड, और देखिए ये इनकी शुरू हो गई है ग्रोथ, अब ये ग्रोथ इनकी चालू हो गई है। तो आप लोग इनको देखिए, मैंने इन सबको कटिंग से लगाया हुआ है। फिर आता है ये सिगोनिया प्लांट, ये भी कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है और इसको हम कटिंग भी ले सकते हैं। यहाँ से जैसे ये रूट्स निकली हैं तो यहाँ से हम लेंगे और यहाँ से दबा देंगे तो यहाँ से ये एक बेबी हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसको भी हम डिवाइड कटिंग से लेकर के लगा सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। नीचे से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो पूरी गर्मी कभी भी हम इनको लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से लग जाती हैं, बिना ही केयर में तैयार हो जाते हैं। तो ये ऐसे प्लांट हैं। और ये है फ्रेंड, ये छोटी सी मेरी कटिंग लगी है टर्टल वाइन की, हार्ट एंगल, ये भी बहुत अच्छे से लग जाती है फ्रेंड। वर्निंग जू, ये जो हैंगिंग बास के प्लांट होते हैं, ये देख लीजिए आप, छोटी सी कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई हुई है और ये कटिंग लग पड़ी है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं बहुत अच्छे से लग जाते हैं। फिर इधर हैं ये फन की वैरायटी, ये घास है, इसको भी आप कभी भी डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि इसकी कटिंग नहीं आती लेकिन कटिंग नहीं लगती, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इनके ढेरों प्लांट बना सकते हैं, जितना चाहो उतना प्लांट आप लोग बना सकते हैं इसके, तो वो भी डिवाइड हो जाता है, इनके भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी प्लांट वही है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसकी कटिंग आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। ये है फ्रेंड लालसा घास, इसको भी आप लोग कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, हैंगिंग बास्केट में लगाइए, कटिंग से लगाएं, बहुत अच्छे से चल जाती, कोई भी पॉट में आप लगा सकते हैं। इनकी कटिंग ना बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करती है, तो आप लोग इनकी कटिंग बेझिझक लगा सकते हैं, कोई भी मौसम हो, कोई भी महीना हो। और फिर आ गए ये प्लांट, इसका कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इतना जल्दी ये कटिंग से लगता है, मैं आप लोगों को अलग से दिखाऊंगी कितनी सारी मैंने इसकी कटिंग लगा के रखी। फिर आ गया कोलियस, तो देखिए इसकी भी कटिंग आप लोग बहुत आसानी से लग जा सकती है, कोई भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हो, थोड़ी ध्यान देना पड़ता है। फिर है ये फ्रेंड पेंसिल कैक्टस, इसकी वो आप कटिंग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। मनी प्लांट, मनी प्लांट की कटिंग भी आप लोग तुरंत ही ग्रो हो जाती है। ऐसे प्लांट दिखा रही हूँ फ्रेंड जिनकी कटिंग ना बहुत जल्दी लग जाती है। ये देखिए अभी अभी मैंने ये लाल से घास को डिवाइड किया, वो सॉरी ये फन को मैंने डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड। और ये देखिए अभी अभी मैंने इन स्पाइडर की भी कटिंग लगा के रखी हुई है। तो ये स्पाइडर जो बेबी निकालते हैं इनको आप आसानी से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो आप लोग इन प्लांटों की कटिंग बेझिझक कुछ जब मन करे आप इनको लगा सकते हैं। तो मई के महीने में मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो जो प्लांट की कटिंग लगती है। ये है बेबी सनरोज, बेबी सनरोज की भी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। कैलेंचू हो गया, जेट प्लांट हो गया, इन सबको आप कटिंग से ढेरों प्लांट बना सकते हैं, जितना हो सके, जितना चाहे, मतलब जितना भी आपका मन करे उतनी आप इनकी कटिंग बना के अपने गार्डन में प्लांट इनके तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने कितना सारा जेट प्लांट यहाँ पर तैयार कर लिया है, तो आप लोगों को जितना भी मन करे आप उतने ही जेट प्लांट के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं, है ना। और फिर इधर आते हैं फ्रेंड, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये हैं, इनको भी आप, इनके बेबी निकलते हैं तो इनको भी आप लगा सकते हैं। कैक्टस है, ये भी आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने छोटे छोटे स्पाइडर लगा के रखा है, आप लोग लगा सकते हैं। और ये मदर प्लांट है, इसको भी आप कटिंग, इसको बेबी निकलते हैं, आप बेबी से इनको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पे कलंचू रखा है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो जितने भी प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया है ये सारे कटिंग से तैयार होने वाले हैं, आप इनको कटिंग से जितना चाहो उतने प्लांट बना के रेडी कर सकते हो, बहुत आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है। कुछ प्लांट होते हैं जो कटिंग से लग जाते हैं, कुछ होते हैं
जिनके बेबी निकलते हैं उन्हें आप डिवाइड करके लगा लीजिए। कुछ प्लांट होते हैं जिनकी ये ऐसे बच्चे निकलते हैं, उनको आप मिट्टी में रख देंगे तो वो बहुत अच्छे से, ये डॉलर प्लांट की कैटेगरी में आता है, इसको आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। वैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिन्हें आप लगा के अपना गार्डन में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये है यूफोर्बिया, यूफोर्बिया की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने लगाई भी है, ये मेरा यूफोर्बिया है और देखिए मैंने अभी छोटी छोटी सी कटिंग आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, लगाई हूँ मैंने। एक मैंने यहाँ पे इस प्लास्टिक बोतल में मैंने लगाया हुआ है, ये देख लीजिए, और एक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी कटिंग, एक देखिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ऐसी छोटी छोटी कटिंग आप लगा लीजिए और ढेरों प्लांट बना लीजिए जितना मन करे, और ज़्यादा बड़ा वाट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये है मदर प्लांट, कितने अच्छे से कॉफ़ी प्लास्टिक बहुत उसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। जो आइसक्रीम की प्लास्टिक डिब्बी होती हैं उसमें मैंने लगा के रखा है, बहुत अच्छे से चल रहा है फ्रेंड। ये मैंने कटिंग लगाई हुई थी तो एक कटिंग आधी तो लग गई है लेकिन एक कटिंग ख़राब हुई। ये देखिए, ये भी दूसरा प्लांट है फ्रेंड। तीन सभी की प्लांटों की आप कटिंग बेझिझक लगा लीजिए और बहुत अच्छे से इनके बेबी तैयार हो जाते हैं, प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को मई के महीने में लगने वाले प्लांटों की कटिंग बताई हुई। स्पाइडर को आप जितना चाहो, स्नैक प्लांट को जितना चाहो उतना लगा सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बहुत ही प्लांट तैयार हो जाते हैं एक से हज़ारों। और ये है फ्रेंड सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए कितना प्यारा मेरा ये प्लांट है, देखिए यहाँ से दो बेबी इसके निकले नीचे से, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये है लिपस्टिक प्लांट, वो ड्रेसीना की वैरायटी, देखिए धूप में इसकी पत्तियाँ थोड़ी जल गई, इनको ठंडा मौसम चाहिए, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैंने प्लांट बताए हुए हैं आप लोग उनको कटिंग से लगा सकते, जितने भी मेरे गार्डन में प्लांट आप लोगों को ज़्यादा दिख रहे हैं वो मैंने सारे प्लांट कटिंग से तैयार किया हुआ है। और जिस तरह से गर्मी में अपने गार्डन को झेल रही हूँ, कैसे मैं अपने पौधे बचा रही हूँ, वो मेरा दिल ही जानता है, बाकी तो कोई नहीं जानता, समझ सकते हैं आप बात को। देखिए कितना हरा हरा इधर दिख रहा है, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और ये यहाँ पे दो पक्षी जैसे सारस बैठे हैं, ये देखिए, ये जलकुंभा है जो पानी में, वही है, एकदम से हरा हरा हो गया, बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड। तो बाय बाय, लव यू माई गार्डन, लव यू माई फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। तो जो मैंने प्लांट आप लोगों को बताए हैं उनको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। बाय बाय।